यूरोप पाक परवर दिगार आलम के नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है, हवाओं को मुसखर करने वाला है, पहाड़ों को बुलंदियां अदा करने वाला है, बंजर जमीनों को सरसों शादाब करने वाला, और हम सबका खालिक व मालिक है। और तो हमारा तमाम तर दुरूदो सलाम हो उन हस्तियों पर जो वजाए तखलीक कायनात है। हमारा तमाम तर दुरूदो सलाम हो मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, और जबा को पाक बनाओ अली अली कहकर, मुनाफिकत को मिटाओ अली अली कहकर, और जो चाहते हो माएं कि नेक हो बच्चे, तो उनको दूध पिलाओ अली अली कहकर। तमाम देखने वाले हाजरीन को शाजन असद का सलाम अर्ज है, और एक बार फिर से आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत से होंगे। और आज हमारे साथ जिक्र अहले बैत करने के लिए, जिक्र मौला करने के लिए, एक बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे से नन्ना से शहजादा हमारे साथ मौजूद है, जो रावलपिंडी से ताल्लुक है जिनका, और उनका नाम है सईद। उनका नाम है सैयद अब्बास हैदर, और हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम या अली बदर सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक, आप कैसी हैं? जबर मालिक का करम है। और मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि आप कितने साल के हैं और कौन सी क्लास में हैं? मैं 3 क्लास में और मैं 9 इयर्स का। जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे ये बताइए कि जब से आप नौ खानी है मनकबत खानी कब से कर रहे हैं आप? मतलब अभी तो आप 9 साल के ये छोटे से ही हैं, तो आप क्या 3 साल से या 4 साल से कब से कर रहे हैं आप? मुझे मुझे शौक है। मैं 4 इयर्स से वो मैनुअल सीखता हूँ। जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। आपको तैयारी कौन कराता है? कौन मतलब आपको सुनता है, आपकी करेक्शन करवाता है? हाँ मेरी सिस्टर है। जबरदस्त माशाल्लाह, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा, आप कौन सा कलाम सुनाना चाहेंगे अपना भी? जरूर मन का बदहाल हम सुनाएंगे। जरूर जरूर, बिस्मिल्लाह सुनाइए। अल्लाहुम्मा बल मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मुहम्मद। हाल हम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्म दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे, महफिले जमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामो दर सजाएंगे जब इमाम आएंगे, ए जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे, जख्म है अभी ताजा मक्का और मदीना के, शाम कूफा कर माशाल्लाह बबला हम बुला नहीं सकते, जिसने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोलों से, एक-एक चुकाएंगे एक-एक चुकाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे, जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे, शक है जिनको अल्लाह अदले और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तजा की रहमत से, मुंतसिर नियाबत पर, जिनको शक है बारा पर, बारवे की है
जब इमाम आएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज और इतने हसीन अंदाज में आप पेश कर रहे थे मनकबत मुनाजात पेश कर रहे थे इमाम जमाना के लिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि बाकी आप जब स्कूल, अभी तो स्कूल ऑफ होंगे, तो आपके दिन कैसे गुजरते हैं, आप क्या करते हैं सारा दिन? बस मैं तो ही सीखता रहता हूँ। तो सीखते हैं, जबरदस्त माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये बताइए कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंद है आपको पढ़ाई में, मतलब कौन सी चीज सबसे, पढ़ाई में कौन सी वाली, कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पसंद है? मैथ्स मैथ्स पसंद है, जबरदस्त। और नौहा खानों में सबसे ज्यादा नौहा खान कौन सा पसंद है, मतलब होता है ना हर बच्चा हर इंसान पे मीर पसंद होता है, मीरा समीर को, समीर जबरदस्त। उनका कोई कलाम याद है आपको, कोई जी, भी कौन सा वाला याद है, सुनाएंगे आप, रो रो के अलीनो है। सुनाएंगे आप थोड़ा सा उसे? जरूर, बिस्मिल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। रो रो के अली का नाम मुसल्ले पर, रो रो के का नाम मुसल्ले पर, जख्मी पहलू जब याद आया, जख्मी पेशानी भूल गया, जख्मी पहलू जब याद आया, जख्मी पेशानी भूल गए, जहरा की मुसीबत पर रोया, मजलूम इमाम मुसल्ले पर रो रो के अली ही क्यों लेते हैं ज़ैनब का नाम मुसल्ले पर। जबरदस्त जबरदस्त। और इसके अलावा आपको कौन सा नौ खान पसंद है? फरहान अली वारिस हाँ, और सबसे ज्यादा अच्छे नौ, मतलब कौन सा नौ सबसे ज्यादा पसंद है आपको, सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा नौ? सारे सारे पसंद है। सारे अच्छा, कोई मतलब एक नहीं है जो एक बहुत अच्छा लगता है कि यार ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई एक नौहा या कोई एक मनकबत जो एक सबसे ज्यादा पसंद हो आपको, सबसे एक मन ज्यादा कबत वो सुनाएंगे अली का शेर ले जाता। आप वो? हेलो, अली का शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर, अली का माशाल्लाह, शेर ले जाता अगर तलवार दरिया पर, अली का शेर ले माशाल्लाह, जाता अगर तलवार दरिया पर, इजाजत जंग की मिलती जो सबका, ए सकीना को इजाजत जंग की मिलती जो सबका, ए सकीना को मगर आता कोई इस बार ना उस बार दरिया पर, अली का शेर ले जाता अगर वाह सुभान अल्लाह, तलवार दरिया पर। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये बताएं सिर्फ आप नौवे पढ़ते हैं या आप छोटी मोटी तकरीरें भी करते हैं? जी हदीस का शौक है आपको या सिर्फ नौवे पढ़ने का और मनकबत पढ़ने का? सिर्फ सिर्फ नौ और मंतबत नौवे और मनकबत। और सबसे ज्यादा मतलब अगर बहन से काटी है तो आप सबसे ज्यादा, आपकी बनती भी बहन से ही होगी, जी अम्मी अब्बू अप्रिशिएट करते हैं इस चीज को? जी जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह। और आप मुझे मजीद कोई अपना कलाम सुनाना चाहेंगे जो आपको अच्छा सा याद हो और आप सुनाना चाहते हो हमें? वो नो है एक जी जी बिल्कुल सुनाइए। हैदरी कलंदरम मस्तम वाह,
बंदाए मुर्तजा अली असलम पेश हुआ है तमाम रिंदानम के सगे कुए शेरे यजानम के सगे कुए शेरे यजानम हैदर या हैदर 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 या अली या अली या अली अली मदद या अली या अली या अली अली मदद है तू ही तो है तू ही तो समा या अली या अली या अली अली मदद या अली या अली या अली अली मदद तेरे दर पे झुकाई है मैंने जबी ऐशे ही बेरुबर ऐशे ही आलमी तेरे दर पे झुकाई है मैंने जबी ऐशे ही बेरुबर ऐशे ही आलमी कोई अब क्या घटा एक बरा मेरा घर जबरदस्त जबरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे, आबाद रहे। आपको पता है आपको इस वक्त इतने सारे लोग सुन रहे हैं और आपको इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं, इतने सारे लोग मौजूद हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आपको माशाल्लाह कह रहे हैं, आपको जीने की दुआ कह रहे हैं और बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं आपको, आप उनको क्या कहेंगे? कह जी। रही हूँ आपकी, आप इस वक्त इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आपको इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं, आपको जीने की दुआएं दे रहे हैं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहें? वो भी खुश वो है भी खुश रहे। और कुछ कहना चाहेंगे उन्हें जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको देख रहे हैं? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जबरदस्त जबरदस्त। आपको पता है यहाँ पे बहुत सारे लोग ना आपको दुआएं दे रहे हैं और आपको सुन रहे हैं, और खास तौर पे मासूमीन नेटवर्क आपकी शुक्रगुजार है कि आपने अपना वक्त दिया। बिल्कुल ऐसा ही है, मौला का करम है और आप माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारे हैं, और मेरी बताते खुद ये दुआ है कि मौला आपको सलामत रखें, आबाद रखें और आप बहुत तरक्की पाए और इसी तरह बहुत अच्छे नौवाफान और मनकबत खान आप बने जो आप बनना चाहते हैं, और इसके अलावा क्या बनना चाहते हैं आप बड़ोगे? इसके अलावा क्या बनना चाहते हैं आप बड़ोगे? पायलट। पायलट बनना चाहते हैं? जबरदस्त भाई, वाह भाई वाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मौला आपकी हर ख्वाहिश पूरी करें और ये ख्वाहिश भी ज़रूर पूरी करें आपकी। इसके अलावा आप कोई कलाम सुनाना चाहेंगे हमें? कौन सा वाला सुनाएंगे? जबरदस्त, बिल्कुल सुनाएं। मौला ईमान माशाल्लाह मौला हुसैन आका ईमान मौला ईमान मौला हुसैन तू मेरा दिल तू जाने लिख दे मेरी अरमान है तू मेरा दिल तू जाने लिख दे मेरी अरमान है माशाल्लाह माशाल्लाह। तकदीर पर मौला हुसैन बैनुल अमैन मौला हुसैन आका ईमान मौला ईमान मौला हुसैन मौला हुसैन माशाल्लाह माशाल्लाह। इसका कोई और शेर आता है आपको? इसके अलावा और शेर आते हैं आपको इस मनकबत के? नहीं आते, बस इतना ही आता है। कोई रुबाई आती है? कोई रुबाई सुनाना चाहेंगे? एक मिनट में सोच रहे हैं आप? सोच, तब तक सोच रहे हैं। अली अब्बास हैदर हमारे साथ मौजूद हैं और वो सोच रहे हैं कि वो कौन सी दुबई पढ़ाएं, तब तक हम आपके कमेंट्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनका नाम लेना भी मुश्किल है, इतने सारे लोग मौजूद हैं। महवेश असद हैं, नजफ अली हैं, कैसर अब्बास हैं,
सैयद शहबाज अली शाह हैं, फैसल अली सैयद फैसल शाह हैं, और फहाद शाह हैं, अजहर हुसैन शाह हैं, लखते जहरा बुखारी हैं, और इसके साथ सैयद दादा और सैयदा हैं हमारे साथ, और जहरा सैयद हैं, महवेश असद हैं, सज्जाद अली हैं, मोहम्मद अली शिराज हैं, इतने सारे लोग हैं जो आपको दुआएं दे रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं, शायद मैंने काफियों के नाम भी नहीं लिए होंगे और ऊपर में सो गए होंगे, उन सबसे माजरत चाहती हूँ जिनके नाम मैंने नहीं बहुत पाई। शुक्रिया आपका। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें यहाँ पे एक हमारे पास एक मेंबर हैं जो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फरहान अली वारिस का कोई नोहा या मनकबत आपको याद है तो अगर आप तैयार हैं तो सुना दें, अगर एक दो शेर यहाँ पे लोग आपसे फरमाइश कर रहे हैं। फरहान अली वारिस का आपको कोई नोहा मनकबत याद है? जी मैं सुनाता हूँ। ठीक है, जरूर जरूर। हुसैन जाता है मरने को है मेरी जैना, शहीद आ गया अब वक्त आखरी, जैनब सना भैया, याद आओगे भैया, जैनब को एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, अरे याद आओगे भैया। जबरदस्त, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपके दादी दादा भी आपको देख रहे हैं और वो भी आपको बहुत सारी दुआएं दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि आपको फरहान अली वारिस बहुत पसंद है और उनके बहुत सारी आपको कलाम आते भी हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो बस एक और आप सुना दें जल्दी से फरहान अली वारिस का कोई कलाम, क्योंकि मुझे पता चला है अभी अभी कि आपको बहुत सारे कलाम आते हैं उनके। ए बाबे समा जाके ये उम्मत को मिटाना, प्यासी है सकीना, ए बाबे जा जाके उम्मत अम्मा को मिटाना, अम्मू को बताना। प्यासी है सकीना, चांद मोहरम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान, चांद मोहरम का हुआ है आया, काले लिबासों में है पीरो जवान, घर में अजाफाना सजाती है माँ, माँ ये मोहरम की है तैयारियां, ये बारिदाई मस्जिदे इबादते ये बोल बाला जी भी हुसैन तेरी जीत का, दिल में हुसैन हुसैन जा में हुसैन हुसैन या में हुसैन अय्या में हुसैन इया में हुसैन इया में हुसैन इया में हुसैन इया में हुसैन। जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको सलामत रखें, आबाद रखें। अच्छा अलिया इधर अब्बास, हम आप अपने घर वालों का, आपकी बहन आपको जैसे तैयारी कराती है तो आप अपनी बहन को कुछ कहना चाहेंगे? क्या जी कहना चाहेंगे अपनी बहुत बहन को? बहन शुक्रिया मेरी बहन का, उसने को मुझे बहुत शुक्रिया, सिखाया है। जबरदस्त। आप मौला आपकी बहन को भी सलामत रखे, आबाद रखे, और वो हमेशा यूं ही आपको सिखाती रहे, हमेशा सिखाती रहे। तो
साथ में यहाँ पे आपके दादी दादा भी देख रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, उनका भी शुक्रिया। आप सबसे ज्यादा लाडले अपने दादी दादा के? जी आप सबसे ज्यादा लाडले अपनी दादी दादा के? जी जबरदस्त भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अब्बास, हम इस प्रोग्राम को बस खत्म करेंगे, लेकिन उसके साथ पहले आपसे पूछेंगे कि अगर आप कुछ पैगाम देना चाहते हैं, किसी से कुछ कहना चाहते हैं, अपने घर वालों से, अपने देखने वालों से जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो आपके लिए दुआएं कर रहे हैं, आपकी सैयदा सैयदा हैं, नादे अली बुखारी हैं, मोहसिन रिजवी हैं, महवेश असद हैं, जारा सैयद हैं, महवेश असद हैं, अजहर हुसैन शाह हैं, नादे अली बुखारी और मूजा अली हुसैन हुसैनी, इसके कुछ कहना चाहेंगे आप इन सबके लिए? मौला का शुक्र है, सबको मैं प्यार देता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, जबरदस्त। अपने मामा आपको भी पापा के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, उनके लिए बहुत दुआ, जरूर जरूर, मौला उन्हें सलामत रखे, उनका साया आपके ऊपर सलामत रखे, और आपके लिए मेरी भी बहुत सारी दुआएं, बहुत सारा प्यार आपके लिए, कि आप भी सलामत रहें, आपके घर वाले सलामत रहें, जो आपको सिखा रहे हैं इसी तरह आपको मजीद सिखाते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा, और जहाँ पे भी जिक्र कीजिएगा मुझे जरूर बिल्कुल। याद रखिएगा। तो जरूर कुछ कहना चाहते हैं, या हम इसको फिर हम मौला के नाम से फिर हम इसके अल्लाह खुदा हाफिज करेंगे? सही है, कोई कलाम सुनाना चाहेंगे या आप कोई शेर? तेरे दर वाह सा सुभान अल्लाह, दुनिया में घर था मौला, अब्बास तेरे दर सा दुनिया में घर कहाँ मौला, तू बेशक बेशक। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, और माशाल्लाह माशाल्लाह। कि मैं यहाँ पे एक शेर ऐड करना चाहूँगी, आपने मौला गाजी अब्बास से मुनाजात पेश की है कि इश्क अब्बास जो एक बार असर करता है, इश्क अब्बास जो एक बार असर करता है, फिर लहू बन के वो वाह नस्लों में सफर सुभान करता है, फिर लहू बन के वो नस्लों में सफर करता है, मैं तो परचम को अल्लाह सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, मैं तो परचम को सुनाता हूँ मुसीबत अपनी, कौन अब्बास को ना जाने खबर करता है। मैंने, हाँ सुभान ना, अच्छा मैंने सुना है कि आपकी एल्बम भी आ रही है नौहों की और मनकबत की, नौही की आई गेस एल्बम आ रही है आपकी, जबरदस्त माशाल्लाह, उसके बारे में इंशाल्लाह कुछ बताएंगे आप? मोहर्रम में आएंगे, मोहर्रम में इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त भाई माशाल्लाह, और जीते रहें सलामत रहें। अच्छा यहाँ पे आपके घर वाले बता रहे हैं कि आप हर साल माशाल्लाह माशाल्लाह ज़ारत के लिए भी जाते हैं, ज़ारतों के लिए भी जाते हैं। मैं सारे अरे साल वाह जाती हूँ, मैं अभी 10 दफा गया हूँ करबला, शाम हर जगह। माशाल्लाह, जबरदस्त भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला आपको मजीद हर दफा बुलाएं और इसी तरह बुलाते रहें जिस तरह आपको बुलाते हैं, और साथ में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा आप जब भी जाएं, और जब भी आप नौहा कलाम कुछ भी पढ़ें तो आप मुझे भी अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखिएगा। अच्छा यहाँ पे कोई है, मोहम्मद शेर, अली शेर, वो कह रहे हैं लव फ्रॉम अली अंकल कतर, डियर अब्बास 0 हजारों, सारे लोग को यहाँ पे दुआएं दे रहे हैं, आपकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं।
और बस हम यहाँ पे परवरदिगार आलम से दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम ने हमें अपने हिज्ज़ो अमान में रखे और हमें हमेशा अहले बैत का जरूर जरूर, और यहाँ पे हम दुआ करेंगे कि परवरदिगार आलम हम सबको अपने हिज्ज़ो अमान में रखे और हम पर हमेशा अहले बैत का साया रखे और हमें उनका जिक्र करने वालों में हमेशा शुमार करे परवरदिगार आलम हमें। और उनसे एक और दुआ करते हैं कि जैसे आपको मालूम होगा कि कोरोना जैसी वबा फैली हुई है और जिसकी वजह से ज़ारतों के रास्ते बंद हैं, बस दुआ करते हैं कि किसी तरह परवरदिगार आलम अहले बैत के सदके में इस वबा को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दे ताकि दोबारा से ज़ायरीन के रास्ते खुल जाए और हम वापस से ज़ारतों पे जाएं और मौला की बारगाह में दोबारा हाजिर हों। बाकी इंशाल्लाह आपकी एल्बम के लिए हम बहुत सारी दुआएं करते हैं कि मौला आपके पढ़ने को आपके अंदाज को कबूल फरमाएं और हमेशा आप दिलो लगन से जिक्र अहले बैत करते रहें और आपके घर वाले भी हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।